मंजा सिंह आज के स्पेशल स्पीकर डॉक्टर राजकिशोर ये एंट्री होती है। मैं दोस्तों आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे महाविद्यालय में हो रहा है। हमारे प्रधानाचार्य अभी उद्बोधन के लिए आए हैं। डॉक्टर संतोष कुमार और मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर दीपक नायर सर साथ में बैठे हमारे कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्ता मोहम्मद जियाउल हक डॉक्टर अर्चना डॉक्टर प्रतिमा डॉक्टर प्रतिमा के कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं। डॉक्टर राजीव रौशन HOD पॉलिटिकल साइंस अशोक जी उसको रखने का प्रयास करते हैं, विवाद भले हो जाती है और उस पर चर्चाएं चलती रहती है। इसी करूँगा क्योंकि ये विषय बेसिकली हमारे चीफ स्पीकर का है तो हम लोग उनसे आज सुनेंगे, लाभ उठाएंगे। इसलिए हम नायर सर को अब माइक हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर। फॉर दो MA की हुई है इन्होंने, एक इंग्लिश में जामिया मिलिया इस्लामिया से न्यू दिल्ली और इतिहास में मगध यूनिवर्सिटी से। UGC नेट TRF दोनों इनके पास हैं। He has completed his PhD from Banaras Hindu University और postdoctoral fellow भी रह चुके हैं वो JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज ऑल्सो बीन विजिटिंग फैकल्टी एट द यूनिवर्सिटी एट बफेलो न्यूयॉर्क USA। इसके अलावा राजकिशोर सर ने जैसे अभी बातचीत हो रही थी हमारी उसमें बताया कि ही हैज ऑल्सो gone to many countries for research purposes, जैसे कि जापान में इनका रिसर्च चल रहा था और जर्मनी में भी इनका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था। सो ही हैज वाइड एक्सपोजर। इसके अलावा देश में भी इधर उधर ही इज अ वेरी एविड ट्रैवलर एज वेल, बहुत ही एकेडमिक एक्टिविटीज में भाग लेते रहते हैं। एजुकेशन से इनका काफ़ी गहरा संबंध है एंड ही इज DSM district sustainable mentor, समझते को इनको नॉमिनेट किया गया है महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ही हैज बीन टीचिंग ऑल्सो इन इंडिया एज वेल अलग अलग कॉलेजेस में, जहाँ पर पहली बार इन्होंने पढ़ाया था अग्नि निवेदिता कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में और इसके बाद इन्होंने PG डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ज्वाइन किया है RP कॉलेज इधर सिंह सराय में, जहाँ पर वो पेपर अभी देंगे बातें सबसे आगे कर रहे हैं। सो उनका जो ब्रीफ बायो है उससे हम ये जान सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है डिटेल से और स्टूडेंट्स के बीच में ये बहुत रहते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी इनको जानते हैं कि एकेडमिक एक्टिविटीज से जिस तरह से चले हुए हैं, सभी लोगों को ये इंस्पायर भी करते रहते हैं ज़िंदगी में अच्छा कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए और अच्छा नागरिक बनने के लिए, सभी चीज़ों के लिए। सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मिनट फर्दर, आई विल कॉल। सर
Principal sir, head department of history, junior sir, and senior faculty, Mridula Rani ma'am, and IQAC coordinator, Santosh sir, and audience, especially students, क्योंकि उनके लिए ये लेक्चर सीरीज कराया जा रहा और ये ललितर यूनिवर्सिटी में अधिकांश कॉलेजों में लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि LNU को नए ग्रेड लाने हैं, उसके लिए बहुत सारे लेक्चर सीरीज चल रहे हैं और उसी का पार्ट है RNR कॉलेज में आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है। टॉपिक रखी गई है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल स्टडी एंड इट्स मेथड्स। एक विशेषकर के हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लोग हैं जो इनको टच करते हैं हिस्टोरिकल राइटिंग्स को, और ये पढ़ना थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ये नहीं जानना चाहता है कि कैसे इतिहास को लिखना है, कैसे हिस्टोग्राफी करनी है, कैसे हिस्ट्री राइटिंग करनी है, इसमें से कितने लोग हिस्ट्री से हैं। मेजोरिटी तो हिस्ट्री की है। अब आप देखिए हिस्ट्री राइटिंग का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो दो कॉन्सेप्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे हूं, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एक इंडियन कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है? इतिहास का जन्म कहां हुआ? यूनान में। इतिहास के पिता किसे बोले जाते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। कोई बताएंगे स्टूडेंट आपके लोग के लिए? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्यों बोला जाता है इतिहास का पिता? बताइए, आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपके लोगों के लिए लेक्चर सीरीज है, सर लोगों के लिए नहीं है, आपके लोगों के लिए है। क्यों उनको इतिहास का पिता बोला जाता है? इतिहास का पिता उन्हें क्यों बोला जाता? क्योंकि उन्होंने उसी पद्धति को अपनाया जिससे इतिहास लिखा जा सके, गवेषणा खोज, उस पद्धति को अपनाकर उन्होंने हिस्ट्री लिखा। और यूनानी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? हिस्टोरे। इतिहासकार को क्या बोला जाता है? हिस्टोरे। हिस्टोरिकल बोला जाता है, एक यूनानी वर्ड है। तो इसलिए हम हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोलते हैं। उसी तरह थुसिडाइड है, थुसिडाइड को हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने एक ज्ञान की शाखा के रूप में हिस्ट्री को डेवलप किया। इन्होंने ज्ञान की शाखा के रूप में थुसिडाइड, तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पर इतिहास में वैज्ञानिकता देने का काम किसने किया? राके। राके एक ऐसे विद्वान थे जर्मनी के जो इतिहास में वैज्ञानिकता का पर जोर दिया। इनके साथ एक और कलीग थे जर्मनी के, नेबूर। नेबूर का नाम आपको सुना होगा, उन्होंने भी इतिहास की वैज्ञानिकता पर जोर दिया उन्होंने। तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें रामके बोलते हैं कि इतिहास को जो तथ्य है उसी को रख दिया जाए, तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं की जाए। पर जबकि हम अगर इतिहासकार हैं, इतिहासकार का मतलब होता क्या है? आपको तो मैं बताया था, ये तो यूनानी वर्ड है, हिस्टोरे से इतिहासकार बना है ना। इतिहासकार का मतलब होता क्या बताइए? कोई इतिहासकार किसे कहते हैं? जो सभी तथ्यों को जांच परख कर अपना निर्णय दे, उसको इतिहासकार बोलते हैं, है ना। ये है हिस्टोरी। हिस्टोरी यूनानी वर्ड है, याद रखिएगा। तो राके और नेबूर ने इसके वैज्ञानिकता पर बल दिया कि
किस तरह हम वैज्ञानिक रूप से ऐतिहासिक अध्ययन करें। तो ये आपका वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है,